डोमिनेंट एपिस्टेसिस में जो एपिस्थेटिक जीन है वो क्या है? डोमिनेंट नेचर का है, दैट मींस कैपिटल ए है. सो इट इज गोइंग टू मास्क या सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ द एलील्स ऑफ अनदर जीन. ठीक है, क्योंकि कैपिटल ए अगर जहां पे भी है तो वो अपना ही कलर दिखाएगा. ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल है फ्रूट कलर इन समर स्क्वॉश. और रेशियो डोमिनेंट में हमेशा यही आएगी, अभी करके देखेंगे कैसे. 12:3:1 अलग है ना, मेंडल की रेशियो से अलग है, रिसेसिव एपिस्टेसिस की रेशियो से अलग है, राइट? क्या होते हैं भाई समर स्क्वॉश? एक तरह का फ्रूट है ये, जैसे ये देखिए, दिखाई देते हैं आपको. कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, इसको आपको घिया भी कह सकते हो. और कुछ कुछ केसेस में इसको हम, और मतलब किसी भी फ्रूट के नाम से इसको जान सकते हैं. मतलब बेसिकली इसको हम स्क्वॉश बोलते हैं. समर स्क्वॉश मीन्स समर के टाइम पे ये मिलती है. ठीक है, ये है समर स्क्वॉश. ओके, इसके अंदर क्या चीज, अगर हम बात कर रहे हैं, क्या लिया हुआ है हमने इसमें? स्क्रीन दिख रही है बिल्कुल क्लियर? यस मैम, यस कैपिटल डब्ल्यू लिया है हमने वाइट के लिए. ठीक है, और आपको पता है कैपिटल डब्ल्यू ही यहाँ पे डोमिनेंट एपिस्टेटिक जीन है. ठीक, जीन या एलील किसी भी केस में बात कर सकते हैं, एक ही बात है. कैपिटल डब्ल्यू फॉर वाइट. तो ज्यादातर डोमिनेंट कंडीशन में जो फ्रूट का कलर होगा वो वाइट कलर होगा. ठीक, कैपिटल जी का कलर मतलब येलो, स्मॉल जी मतलब ग्रीन. ठीक है, कैपिटल जी और स्मॉल जी में से कौन सा डोमिनेंट हुआ? कैपिटल कैपिटल जी जी जी, क्योंकि शुरू से ही हमने कैपिटल अल्फाबेट को डोमिनेंट के लिए लेकर चल रहे हैं और स्मॉल को रिसेसिव के लिए. ठीक है, तो कैपिटल डब्ल्यू इज एपिस्थेटिक, डोमिनेंट एपिस्थेटिक. कैपिटल जी इज फॉर येलो, विच इज डोमिनेंट टू स्मॉल जी, दैट इज ग्रीन कलर. तो ग्रीन कलर तो बहुत कम देखने को मिलेगा. ठीक है, अब हमें याद रखना है ये डोमिनेंट कंडीशन है. तो हेट्रोजाइगस होमोजाइगस दोनों ही कंडीशन में हमें सिर्फ वाइट फ्रूट देखने को मिलेगा. ठीक है, ये अभी जो समझा रही हूँ सारी कहानी यहाँ लिखी हुई है, इसको पढ़ लेना, लाइन टू लाइन लिखा हुआ है. ये आ गया आपके पास पुनेट स्क्वायर. ये प्रेजेंटेशन मैं आज सेंड कर दूंगी, तो इसको पढ़ लेना. और नेक्स्ट स्टेप पे जो है, मुझे ट्रिक से, बिना पुनेट स्क्वायर निकाले, ट्रिक से मुझे आप रेशियो बताओगे. ठीक है, चलो अभी क्या नोट करने वाली चीज है. दिस इज द पेरेंट जनरेशन, जिसमें हमने एक व्हाइट फ्रूट लिया और एक येलो फ्रूट लिया. ठीक है, व्हाइट के लिए क्या था? कैपिटल डब्ल्यू. कैपिटल डब्ल्यू अगर कैपिटल डब्ल्यू है तो दूसरा कोई भी एलील हो कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, हमने यहाँ पे स्मॉल ग्रीन स्मॉल जी लिया. येलो फ्रूट के लिए येलो तभी होगा जब डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू नहीं होगा. ठीक है, इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो. जहां पे कैपिटल डब्ल्यू है मींस वहां व्हाइट होगा, दूसरा चाहे कोई मर्जी हो. तो कहानी का मेन हीरो कौन है? कैपिटल डब्ल्यू, व्हाइट कलर. ठीक, सारे के सारे फ्रूट्स व्हाइट कलर के मिलेंगे. ठीक है, ओके. अब देखो, अब किसी कलर के लिए, या येलो कलर हो या ग्रीन कलर हो, हमें कैपिटल डब्ल्यू को हटाना पड़ेगा. तो क्या आएगा उसकी जगह? स्मॉल डब्ल्यू, लेकिन रिसेसिव कंडीशन. ठीक है, क्योंकि एक भी कैपिटल डब्ल्यू अगर हुआ तो वो किसी कलर को आने नहीं देगा. सीधी सी बात है, क्लियर बात है ना? क्योंकि ये डोमिनेंट एपिस्टेटिक जीन है, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस दोनों ही कंडीशंस में काम करेगा. तो किसी भी एक और कलर को अगर शो होना है तो कैपिटल डब्ल्यू को हटना पड़ेगा. इसलिए हमने लिए स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू.
येलो के लिए था कैपिटल जी, इसलिए हमने लिया है कैपिटल जी कैपिटल जी. ठीक है, ये बन गए इनके गैमीट्स. और हमको मिल गया व्हाइट फ्रूट, क्योंकि एक एक भी कैपिटल डब्ल्यू होगा तो व्हाइट कलर. ठीक है, सेम एफ टू जनरेशन प्यूनेट स्क्वायर्स बनाओगे, रेशियो हमें मिलेगी ये वाली. अब इसी को वो ट्रिक लगाओ और मुझे रेशियो बताओ, फिर मैच करना यहां से. ठीक है, फटाफट से करो. एक एक साइड पे W लिखो, कैपिटल W डैश, दूसरी साइड पे G को लेकर चलेंगे. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड नहीं दिखा रही हूं मैं, खुद से ट्राई करो. ट्राई करो, नहीं होगा तो बताएंगे अभी. व्हाइट येलो ग्रीन 12:3:1 ट्रिक से आया. यस मैम. ठीक है, बाकी लोग भी ट्राई करो, चैट बॉक्स में ही मुझे लिख के बताओ. ट्रिक लगानी है, पिनट स्क्वायर बनाने की जरूरत नहीं है हर बारी. कर रहे हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? पिछली वाली ट्रिक दिखाऊं, रिसेसिव वाली, थोड़ा सा याद आ जाएगा. सेम ट्रिक लगानी है बिल्कुल. सी की जगह हमें डब्ल्यू लिखना है, ए की जगह हमें जी लिखना है, कलर आ जाएगा, कलर भी खुद से समझ में आएगा. जहां पे भी कैपिटल डब्ल्यू हुआ मतलब व्हाइट. ठीक है, कहानी का मेन हीरो है यहाँ पे व्हाइट कलर, डोमिनेंट व्हाइट. साथ में लिख लेना मेंडल की बेसिक रेशियो 9:3:3:1. ठीक है, रिंकी नीतू रेनू, गुड गुड वेरी गुड. ट्रिक आसान है बहुत, उसी से समझ में आया. आकांक्षा, संगीता, ओके, पूजा ने लिख के दिखाया हमें. पूजा, अगर आप ऐसे लिखोगे तो रेशो गड़बड़ा जाएगा. कंप्लीट लिखो, चारों लिखो, 9:3:3:1 के लिए लिखो. ठीक है ना, तीनों के लिए लिखो. भारती, विद्या ने बताया है, अंकिता, रिंकी, आरती, शिखा, गुड गुड. ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं, वेरी गुड. ओके, ये देखो अब मैच कर लो अपना इससे. मेरा आपका ट्रिक और ये रही आपकी रेशियो. ठीक है, ऐसे लिखना है पूजा, इसको बिल्कुल कंप्लीट ऐसे लिखना, तभी तो हम 9 और 3 को प्लस कर पाएंगे, जब हमारे पास डोमिनेंट कंडीशन भी होगी और स्मॉल जी वाली रिसेसिव कंडीशन भी होगी. सो इसलिए 9+3=12, 12:3:1 फॉर व्हाइट येलो एंड ग्रीन. ग्रीन का सिर्फ हमें एक ही फ्रूट मिलेगा. ठीक है, तो ये रेशियो हमेशा ही डोमिनेंट के लिए सेम रहेगी, डोमिनेंट एपिस्टेसिस के लिए. सो पढ़ो इसको, क्या लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है? W इज डोमिनेंट एपिस्टेटिक जीन टू एलील्स कैपिटल जी एंड स्मॉल जी.
thus masks their effects in both homozygous and heterozygous conditions. ठीक है, आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा. इसके अलावा हमारा काम हो गया खत्म फिलहाल के लिए. ठीक है, अब मुझे बता दो किसी को कुछ डाउट है तो. दीपिका, सुदीक्षा, मनीषा, गुड. और इसी को क्या करोगे, प्रेजेंटेशन तो मैं सेंड करूंगी, इसी को पिनट स्क्वायर से बना के भी मैच कर लेना. आंसर विल बी सेम बट कोशिश कर लेना. जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा याद रहेगा. ठीक है ना, 43 हो गए, पहले 46 थे. अच्छा, अब मैं आपकी अटेंडेंस कैसे लूं यहाँ पे, फोन से ही मुझे इसका वो लेना पड़ेगा. किसी को कुछ डाउट है, कुछ समझना हो. अच्छा, जो बच्चे कल नहीं आए थे मुझे बोल रहे थे मैम पिछला थोड़ा सा रिवाइज करा देना, हैं वो बच्चे अभी? नजर नहीं आ रहे मुझे. ठीक है ठीक है, क्लासेस मिस मत करो ऐसे. ठीक है, ओके, प्रेजेंटेशन सेंड कर दूंगी मैम, क्लासरूम पे भी व्हाट्सएप पे भी देख लेना. ओके ओके दिशा, ओके. अच्छा, मैं अटेंडेंस कैसे लूँ? ओके, पहले तो स्क्रीन बंद करें. अच्छा, 12 बजे केमिस्ट्री की क्लास है आप लोगों की. अच्छा, आज नहीं है. हाँ, किसी को डाउट? हाँ, ग्रुप पे कल कौन से बच्चे बोल रहे थे मैम 12 बजे हमारी केमिस्ट्री की क्लास है? मुझे पता है केमिस्ट्री की क्लास है तो ऑब्वियसली 10 मिनट पहले खत्म हो ही जाएगी क्लास. एक सेकेंड,